Hey class 6, so today we have already read about the basic topics in plants, like what is the classification of plant. Ye hum khatam kar chuke hain. So today we'll go about the parts of plants. So if we see a common plant, a flowering plant have two parts. Okay, the ped jaisa hai, the diagram bahut sundar hai, to main bana ke tumko dikhata hu. देखो कितना सुंदर मैं बना रहा हूं. ओके okay. उसका ब्रांचेस है, टिप है, ये रूट्स है. ओके okay. तो यहां पे तुम उस पूरे प्लांट को यू कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. दिस अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम, एंड दिस लोअर पार्ट इट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम. शूट सिस्टम मीन्स द पार्ट विच ग्रोज एबव द ग्राउंड. जो प्लांट का पार्ट जो रूट के सॉरी जो जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करे. रूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे ग्रो करने वाला रूट या रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर ग्रो करने वाला शूट या शूट सिस्टम. क्लियर? डन. ओके सो लेट्स स्टार्ट. कोई भी टॉपिक शुरू कर सकते हैं. लाइक पहले शुरू करते हैं रूट सिस्टम. ओके रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में क्या है? रूट सिस्टम में है रूट्स. ओके दे ग्रो बिलो द ग्राउंड. बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे ये लोग ग्रो करेंगे. ओके और दे ग्रो टूवर्ड्स टू थिंग्स. वो दो चीज की ओर ग्रो करते हैं. वो ग्रो करते हैं वाटर की तरफ, यानी जिसको हम मॉइस्चर बोल के बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अंदर बहुत पानी नहीं होता. जब पानी ज़्यादा है तो वाटर बोलना, पानी कम है काफ़ी कम तो मॉइस्चर बोलना. ओके दे ग्रो टूवर्ड्स मॉइस्चर एंड ग्राविटी. ये दोनों वर्ड जरा समझो. ग्राविटी मतलब अर्थ के पास एक ताकत है जिससे वो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है. वो ताकत को हम बोलते हैं ग्रेविटी. तुम इस पेन को अगर इस तरह फेंकोगे ऊपर, फिर नीचे जाएगा. क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी है जो इसको खींच रहा है. तो उसी तरह जो रूट्स है वो ग्राउंड के अंदर ही अंदर ग्रो करता है. वो ग्राउंड से बाहर नहीं आता आसानी से, क्योंकि वो ग्रेविटी के तरफ, यानी अंदर का जो अट्रैक्शन है उसकी तरफ. अंदर कहीं पानी है तो उसके तरफ वो ग्रो करेगा. लाइक बता रहा हूँ, ये सोचो सॉयल है, ये एक रूट है. अगर इधर थोड़ा भी पानी है ना, तो ये रूट धीरे धीरे इस तरफ ग्रो करेगा. ये रूल है. ये क्यों करेगा ये हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. फिलहाल क्लास 6 में हूँ. क्लास 10th में जब जाओगे तो ये क्यों ऐसा होता है ये तुम पढ़ोगे. ये वाटर के तरफ क्यों मूव, क्यों ग्रो कर रहा है, ये बेसिक थिंग्स. ओके तो बस जानते हैं कर रहा है बोल के. सो ये वाटर के तरफ और ग्रेविटी के तरफ ये मूव करता है. फोर्थ पॉइंट, ये लाइट से दूर, इट ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट. लाइट से दूर ग्रो करेगा. ओके लाइट से दूर मतलब तुम देखो सॉइल के ऊपर लाइट है, सॉइल के अंदर लाइट है क्या? नहीं, लाइट ऊपर है. ये ग्रो किस तरफ करता है? नीचे की तरफ. यानी ऑपोजिट हुआ कि नहीं, अवे है हुआ कि लाइट यहाँ पे है. तुम देखो यहाँ पे लाइट गिर रहा है कि नहीं, यहाँ देखो लाइट गिर रहा है. हाँ ये देखो लाइट गिर रहा नहीं, वो लाइट है ये रूट, लेकिन लाइट की तरफ ऊपर नहीं ग्रो करता, ये नीचे की तरफ यानी उससे दूर जाता है. सो वी टेल इट रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम लाइट. क्लियर? क्यों है ये नहीं दिया गया, और मैं इसको भी डिस्क्राइब नहीं करने वाला, क्योंकि पूरी तरह से बायोलॉजी यानी पूरा साइंस का एक खास कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है. हम बड़े आराम से इसको बाद में पढ़ेंगे जब तुम बड़े हो जाओ. ठीक है? ओके नाउ लेट्स रीड अबाउट टाइप ऑफ रूट्स. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ रूट? दो तरह का टाइप है. एक है टैप रूट सिस्टम, द अदर वन इज
क्या है भैया, क्या है, फाइबरस रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम। पहले डायग्राम समझाता हूं, बाकी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, ये दोनों चीज देखो, ये है टेप रूट का डायग्राम, ये है फाइबरस रूट का डायग्राम। टेप रूट में एक मेन स्टेम होता है, बीच का मोटा स्टेम देखो, सॉरी मोटा रूट, नॉट स्टेम, रूट, ये देखो मोटा सा रूट है ये वाला। इस मोटे वाले रूट को हम बोलेंगे प्राइमरी रूट्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट, मेन रूट, ये मेन रूट है। इसके चारों तरफ छोटा छोटा और रूट है जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट या ब्रांच रूट, सेकेंडरी रूट, क्लियर। सो इस सिस्टम में क्या होता है, एक बड़ा सा मेन रूट वर्टिकली, वर्टिकल मीन सीधा सीधा, पूरा डीप ग्रो करता है, पूरा डीप जाता है, और उसके साथ छोटा छोटा रूट्स अटैच है। छोटा छोटा रूट तुम ये देख सकते हो, ये अटैच है, क्लियर। एक मेन रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगा एंड द स्मॉल रूट्स आर अटैच्ड टू इट एंड दिस मेन रूट विल ग्रो डीप, अंदर तक जाएगा। मेन रूट को क्या बोलेंगे भाई? प्राइमरी रूट। छोटे छोटे ब्रांच रूट को बोलेंगे सेकेंडरी रूट। ये हम कहाँ देखते हैं? लाइक कैरेट में देखते हैं, तुम्हारा बल्सम एक पेड़ है वहां देखते हैं। तो फोटोज तुम नेट में सर्च करो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं फाइबरस रूट के ऊपर। यहां देखो, यहां कोई मेन रूट नहीं है, नो मेन रूट, हाईली ब्रांच्ड मींस बहुत सारा ब्रांचेस ऑफ रूट है, खाली पतला पतला, कोई मोटा मेन रूट नहीं, पतला पतला रूट है। नो मेन रूट बट अ बंच ऑफ रूट, बंच ऑफ थिन रूट, बंच मतलब गुच्छा, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर मींस गुच्छा, क्लियर। They do not grow deep, वो deep grow नहीं करते। अगर तुम grass देखे हो, छोटा सा इतना सा होगा उसका root, एक दो इंच होता है root, लेकिन तुम इन roots का बात कर देखोगे तो काफ़ी deep जाता है, clear? सब ये deep नहीं grow करते, ये आस पास ये सा spread होके grow करते हैं, clear? Okay, so types of roots समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ऐसा। Now we'll go towards the function of root, root का function क्या है? रूट का सबसे बड़ा फंक्शन सॉइल है, ये प्लांट है, ये प्लांट तो गिर जाता, ये प्लांट तो उड़ जाता, ये प्लांट तो बह जाता, अगर यहां पे रूट्स सॉइल के अंदर पकड़ के सॉइल को ना रहते। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट? इट होल्ड्स द सॉइल, सॉइल को जकड़ के पकड़ता है टाइटली, सो दैट इट कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये जकड़ के पकड़ लेगा एक बार ना, तो ये जो ट्री है या प्लांट है ऊपर पूरा स्ट्रेट रहेगा, इसको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, द प्लांट विल नॉट ब्लो अवे और फ्लो अवे, हवा से नहीं गिर जाएगा, पानी से नहीं बह जाएगा, क्लियर। और क्या करता है रूट? इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये वाटर से क्या करेगा, सॉरी सॉइल से क्या करेगा, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। देखो ये रूट तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी छोटा छोटा हेयर होता है, छोटा ऐसा हेयर होता है, तुमने कभी देखा होगा शायद, अगर तुम छोटे मोटे धनिया का पेड़ अगर तुम्हारे घर में है या पुदीना का पेड़ तुम्हारे घर में है, कोई भी पेड़ तुम्हारे घर में अगर तुमको कभी लगाते हो एक एक क्या वेस से दूसरे वेस में, तब तुम उसका रूट को ऑब्जर्व करना। फिलहाल मेरे पास रूट नहीं है दिखाने को, यू कैन ऑब्जर्व इन योर होम कि रूट्स, चाहे वो फाइबरस रूट भी क्यों ना हो, छोटा छोटा रूट्स और होता है। दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज रूट हेयर। क्या बोलेंगे इसको भैया? इसको बोलेंगे रूट हेयर, सॉरी हेयर, रूट हेयर मींस फाइन फाइबर ऑफ रूट्स, क्लियर। दे हेल्प फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का क्या ये एब्जॉर्बेंस कराता है, क्लियर। ये मेन फंक्शंस था। ओके, अभी रूट्स का कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है।
मॉडिफिकेशन यानी क्या, कुछ चेंजेस, कुछ खास फंक्शन है इसका, स्पेशल फंक्शन। कुछ रूट ऐसे हैं जो खाना स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड। क्लियर, कुछ रूट्स ऐसे हैं जो खाना स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड। ओके, सच रूट्स आर कॉल्ड एज स्टोरेज रूट। इनको हम बोलेंगे स्टोरेज रूट, क्यों? क्योंकि दिस स्टोर्स फूड, ये खाना स्टोर करता है। क्लियर, एग्जाम्पल क्या क्या आएगा यहां पे? रेडिश, कैरेट, टर्निप, ओके, समझ में आ रहा है? ओके, हाँ। नेक्स्ट आता है, ये तो खाना स्टोरेज के लिए हो गया, नेक्स्ट आता है सपोर्ट करता है, कुछ कुछ रूट सपोर्ट करता है। क्लियर, उसका भी तरीका है अलग अलग। कुछ ऐसा रूट्स है जो कि प्लांट को प्रॉपरली क्लाइंब करने में हेल्प करेगा, या प्रॉपरली उसको स्ट्रेट ग्रो करने में हेल्प करेगा। सब रूट्स आर देयर व्हिच हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप, मींस नीचे से बेस को बहुत स्ट्रांग करेंगे तब जाके वो ऊपर से अच्छे से ग्रो करेगा। ऐसे वाले रूट्स को बोलेंगे क्लाइंबिंग रूट। क्लियर, रूट्स सपोर्ट देगा किसको? पूरे प्लांट को, सो दैट दे विल क्लाइंब अप, प्लांट विल क्लाइंब अप, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट। ये दिखाई देता है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और बिटल में। बिटल मतलब गुआ, सुपारी खाते हैं पान में उसका पेड़। ब्लैक पेपर मींस उड़िया में बोलते हैं गोटमोरिच, काला मिर्च, हिंदी में बोलते हैं काला मिर्च। उन पेड़ों में ऐसा रूट्स दिखाई देता है। ओके, एक और है प्रॉप रूट, वो भी सपोर्ट देता है। वो क्या होता है, ये जो पेड़ है बानियान का पेड़ देखे हो, वहां समझ में, यहां ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस से कुछ रूट्स नीचे तक झूलते हैं और सॉइल में अटैच होते हैं। तुमने देखा होगा गांव में जहां बड़ा बड़ा पेड़ हो, बहुत पुराना पुराना पेड़ होगा, मींस कभी कभी स्टेम से निकलता है रूट, कभी कभी निकलता है ब्रांच से रूट, और ये क्या करेगा, सॉइल में घुस के टाइट करके पकड़ लेगा, प्लांट को सपोर्ट देगा। सच आर कॉल्ड एज प्रॉप रूट, ये बनियान में दिखता है। क्लियर, बनियान में दिखता है प्रॉप रूट, समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट योर रूट सिस्टम, रूट्स का फंक्शन, रूट का टाइप, रूट का मॉडिफिकेशन, मैंने तुमको समझा दिया। क्लियर, सो वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, डाउट रहेगा पूछना। ओके, हैव अ गुड डे।